हरियाणा में आज परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हो गया है। ये कार्य 3 सितंबर तक चलेगा। इसी कड़ी में यमुनानगर में भी परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए स्कूलों में आज से कार्य शुरू कर दिया गया है। स्कूल में टीचरों द्वारा ऑपरेटर के सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है, जिसमें एक परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दी जाएगी और उसके बाद पहचान पत्र बनेगा। ये जानकारी यमुनानगर में कार्यक्रम की नोडल ऑफिसर एवं अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर ने दी। सोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से स्कीम चलाई जा रही है, जो कि उसके जिसके तहत परिवार पहचान पत्र बनाए जाएंगे। पहले इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट किया था और पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में 100 पहचान पत्र आए थे, जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था। और अब इसका प्रोग्राम जो है, हम इसको कैंप्स में करेंगे। तो कैंप्स जो है वो 25 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक स्कूल्स में चलाए जाएंगे और स्कूल्स में स्टूडेंट्स को ना बुलाकर उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और उनकी पूरी फैमिली की जानकारी जो है पेरेंट्स के द्वारा भरी जाएगी। और हमारे वहाँ टीचर्स की ड्यूटी लगाई है और साथ में उनके ऑपरेटर्स होंगे जो इसको फिलअप करेंगे। कोविड को देखते हुए सुरक्षा के पूरे हमने प्रबंध किए हैं कि एक दिन में एक टाइम पे 22 से ज़्यादा पेरेंट्स को ना बुलाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का प्लस सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान। माय परिवार जो ऐप है उसके थ्रू अभी हमने काम शुरू किया है। अभी जो हमारी टीचर्स की जो MIS पे जो लिंक आया हुआ है उस पर अभी जो है ना असेस नहीं हो पा रहा वो, क्योंकि अभी वो पीछे जो साइट है वो खुलेगी तो उस पर काम शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है ना माय परिवार ऐप जो है उस पर जो भी व्यक्ति अपना परिवार ID बनवाने के लिए अगर हमारे पास आता है तो हम उसका आधार नंबर उस पर अपलोड कर देंगे। आधार नंबर अपलोड करते ही जो भी उसका फ़ोन नंबर होगा उस पर OTP आ जाएगा। वो OTP डालने से उसके परिवार की पूरी डिटेल हम उसमें भर सकते हैं। तो माय परिवार ऐप जो है उससे हम जो है ये काम अभी शुरू कर दिया हमने, एज जैसे सरकार की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से हमने अपना काम टाइम पे अपने शुरू कर दिया।